सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ट्रिगर इंसान के बारे में। ट्रिगर इंसान ने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल पर आसाम और बिहार फ्लड के लिए 24 आवर्स लाइव चैरिटी स्ट्रीमिंग रखे थे, जिसके बाद ट्रिगर इंसान ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज अपलोड की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 24 आवर्स का चैरिटी स्ट्रीमिंग कंप्लीट किया और क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने स्ट्रीमिंग में फेस करनी पड़ी। तो आप भी देखिए ट्रिगर इंसान की इंस्टाग्राम स्टोरीज। Hi guys, so I was 7 hours into the stream and 12 बजते ही पूरा मेरे एक्साइटल इंटरनेट वालों ने, I will tag them over here, इंटरनेट बंद पूरा 12 बजते ही, 7 घंटे into the stream, कुछ अच्छा करने जाओ तो भी कुछ हैं ऐसे महान लोग, इनको कल मैंने फ़ोन करके पूरा समझाया था कि I will be streaming, ऐसा ऐसा सीन है कुछ and I need कि मेरा इंटरनेट एटलीस्ट इस 24 आवर्स के लिए बंद नहीं होना चाहिए, लाइक कुछ भी हो जाए फॉर दीज 24 आवर्स इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए एंड 12 बजते ही पूरा इंटरनेट बंद। नाइस सर्विस दी गई। जिसके बाद ट्रिगर इंसान ने अपने चैरिटी स्ट्रीमिंग में कलेक्ट हुए अमाउंट की जानकारी देते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 2.5 लाख फेम, आई एम सो प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव अचीव इन दिस 24 आवर्स। तो चलिए बात करते हैं विनोद की। अगर आप रेगुलर यूट्यूब पर एक्टिव रहते हो तो आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में विनोद टाइप किया जा रहा है। अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि विनोद कौन है। एक्चुअली कुछ ही दिनों पहले सिली पॉइंट अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें उन्होंने विनोद नाम के पर्सन की बात करते हुए अपने वीडियो में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं बहुत कमेंट्स पढ़ता हूँ आजकल, तो इतना बेल रहा हूँ कि दूसरे यूट्यूबर्स के भी पढ़ लेता हूँ। जैसे एक वीडियो देख के विनोद थरू बोले, विनोद बस विनोद, सात लोग इस कमेंट की विनोदता से इम्प्रेस हो गए। ये हर जगह ऐसे ही फीडबैक देते हैं। अमेज़न प्रोडक्ट कैसा लगा, विनोद। इस मूवी में बेस्ट कौन लगा, विनोद। वो सेट का चाय वाला, मेरे जितना कभी किसी ने प्यार किया। वीडियो आने के बाद से ही हर वीडियो के कमेंट में विनोद विनोद टाइप किया जा रहा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं टेक्निकल गुरुजी और कैरी मिनाटी के बारे में। टेक्निकल गुरुजी कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें उन्होंने कैरी मिनाटी का इंटरव्यू लिया, जिसमें कैरी मिनाटी ने बताया कि कैसे उनका चैनल हैक हुआ था और क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी थी। जिसके बाद ये वीडियो में कैरी मिनाटी आमिर सिद्दीकी पर भी रिएक्ट किए। आप भी देखिए वीडियो का छोटा सा पार्ट। कैरी, मेरे को रशिया से याद आया, अभी रशिया की बात की ना, कि भाई देखो रशियन हैकर्स दुनिया भर में बहुत भयंकर फेमस हैं और रशिया में मॉस्को जो है वो ही पढ़ता है भाई। वहाँ पे बहुत लोग जो है वो बहुत स्पेशल वाली हैकिंग की पढ़ाई भी कर लेते हैं कई बार। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब तेरे को ऐसा है दिमाग में कि भाई मतलब हैक हुआ है तो दुनिया में किस कोने से अटैक हुआ होगा चैनल के ऊपर? सर देखो कोई अगर देखो सर ऐसा नहीं है कि मॉस्को से सिर्फ वही अटैक्स होते हैं, बहुत तरीके के अटैक्स भी होते हैं, नहीं कहूंगा ठीक है। और रही बात सर हैक, अगर आपको पूरा वीडियो देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। चलिए बात करते हैं सम्राट भाई के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सम्राट भाई ने हिंदुस्तानी भाव पर वीडियो बनाई थी, जिसके बाद हिंदुस्तानी भाव के फैंस गुस्सा होकर सम्राट भाई को धमकी दे रहे थे और गालियां दे रहे थे, जिसके बाद सम्राट भाई ने जिस पर लीगल एक्शन ले लिया है, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज अपलोड की। तो आप भी देखे सम्राट भाई की इंस्टाग्राम स्टोरीज। बोलते हैं कि सम्राट भाई जब इतना साइबर बुली हो रहे हो, इतना ज्यादा फील कर रहे हो तुम चीज़ें, तो स्टोरीज मत डालो या फिर इनके ऊपर सीधा एक्शन ले लो। तो देखो ये है, ये 2 कोड़ी के मीम पेज है, फेक आईडीज बनाते हो और मैं इन सबको पकड़ने का इतना मैं नहीं कर सकता और इनको मेंशन करके मैं क्लाउड भी नहीं दूंगा। सो बस इतना है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इंडियन बंदों को किस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया इंडियन लोगों के लिए। और बंदा अगला खुद आके अगर ये वीडियो में बोल दे रहा है ना कि अगर तुम मुझे रोस्ट करोगे या मेरे खिलाफ क्रिटिज़म करोगे तो मेरी पब्लिक आके तुम्हारी माँ चू देगी, दैट मीन्स सीधी सीधी बात है, फेसिस्ट, फेसिज्म कहते हैं इसको, और सिंपल भाषा में समझा जाए तो हिटलर वाले काम है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ जो सरप्राइजिंगली आप लोगों को नहीं मालूम होगी, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि जिन लोगों से मुझे प्रॉब्लम थी, जिन लोगों ने हेट स्पीच वीडियोज़ बना रखी हैं या फिर जिन लोगों ने मेरे ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए या फिर जो भी किया, मैं ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ केस एंड मैं उनको क्लाउड नहीं दूंगा। यहाँ को कभी रिवील नहीं करने वाला कि मैंने किन के ऊपर केस किया है या फिर मैं किन को लीगल नोटिस भेज रहा हूँ या किन के ऊपर लीगल प्रोसेस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें कवर होंगी, कुछ न्यूज़ वाले कवर करेंगे, वे मतलब मैं क्लाउड देगा और ये चाहते थे कि मैं इनको क्लाउड दूँ, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा, ठीक है। सो आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैं सिर्फ स्टोरी खेल रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपको फालतू वीडियोज़ मिल जाती हैं ये वीडियोज़ भी दिख जाएंगी कि सम्राट ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। एंड मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर शायद मैं उस पर ट्विटर पर भी एक वीडियो डालूंगा और वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राउंड टू एल की टीम ने अपने चैनल पर 50 मिलियन और बियर बाइसेप ने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, जिसके लिए मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।